मनी इन द बैंक 2021 के एक बहुत बड़े स्पॉइलर आ चुके सामने, और गाइस हमें कौन से चैंपियंस दिखाई दे सकते हैं मनी इन द बैंक के बाद, ये भी बात हो चुकी है रिवील। और गाइस कौन सी आई है ये रिपोर्ट और भाई क्या कहती है रिपोर्ट, इसके बारे में बात करेंगे। और गाइस क्या है ये रिपोर्ट, और गाइस हमें मे बी एक शॉकिंग टाइटल चेंज, मेगा टाइटल चेंज दिखाई दे सकता है इस बार WWE के अंदर, और भाई मनी इन द बैंक के बाद हो सकता है पूरा का पूरा खेल चाहे बदल दो, इसके बारे में बात करेंगे। क्या इसकी अपडेट, साथ में बात करने वाले हैं WWE थंडरडोम के बारे में, इस थंडरडोम को भी अब ऑफिशियली कह दिया है टाटा बाय बाय किस तरीके से, इसके बारे में बात करेंगे। और ड्रू मैकइंटायर ने भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी रिवील की है जो कि थी मनी इन द बैंक 2010 की, तो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले इसे लास्ट तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को शुरू करते सबसे पहले अपडेट के साथ में जो कि जुड़ी है WWE थंडरडोम के बारे में हुआ, जिसको भी अब WWE ने कर दिया फाइनली टाटा बाय बाय। और भाई WWE का जो है लाइव है सारे 16 जुलाई तो फर्स्ट फ्राइडे स्मैकडाउन के एपिसोड होने वाले, तो इसके लिए WWE ने फैंस को बुलाया, टिकट सेलिंग हो चुकी। तो इस WWE अब जो है थंडरडोम का जो अरीना था जो कि एक साल से हम देखते आ रहे हैं, और भैया वैसे WWE अब जो इसको जो है मतलब जो है उठा कर लेकर जा रही है। और भैया यहाँ से फिलहाल जो वीडियो जो कि होती है पेज WWE के द्वारा रिवील, और भाई यहाँ से जो बेली का अकाउंट है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट तो उसके ऊपर जो बेली कुछ फोटोज डाल दी जो कि थंडरडोम का एक वीडियो डाल दी, इसके आप जो स्क्रीनशॉट कुछ देख पा रहे होंगे। और भाई इस फोटो के अंदर जो है थंडरडोम का पूरा सेटअप जो है हिलते हुए दिखाई दे रहा है, और भाई यहाँ से WWE सेटअप को यहाँ से जो लीव करी जा रही है। और भाई यहाँ से यह फिलहाल थंडरडोम का सेटअप अब जो है WWE ने इस तरीके से गुड बाय टाटा कह दिया। और भाई फाइनल यह जो है स्मैकडाउन का एडिशन था थंडरडोम के अंदर, और भाई नेक्स्ट जो मैंने नैट्रो का एपिसोड था मतलब जो मन नाइट रहा थी वो भी अब थंडरडोम से खत्म हो चुकी, जो कि ये भी लास्ट शो था WWE का, और जो फाइनल जो है ये शो था WWE का थंडरडोम के अंदर, और साथ ही में मनी द बैंक से पहले। और भाई इसके बाद WWE जो है टूरिंग पर जा रही है, और भाई जो है फैंस के सामने फिर से एक बार परफॉर्म करने वाली, तो देख लेते हैं क्या होता है। बट थंडरडोम को जो है टाटा बाय बाय करने का समय हो भी चुका है, थंडरडोम को टाटा बाय बाय भी हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पर से ड्रू मैकइंटायर ने एक इंटरेस्टिंग अपनी कहानी रिवील की है मनी इन द बैंक के बारे में। और भाई मनी इन द बैंक 2010 की वो बात करें तो यहाँ पर से वो होते हैं इस बार इस मैच के अंदर, और भाई यहाँ पर से वो कहते हैं कि देखो 2010 के मैच हूँ मनी इन द बैंक का हिस्सा था, इसके अंदर जो है कंपेटिटर्स थे। और भाई यहाँ पर से जो है वो कहते हैं कि देखो एक इंटरेस्टिंग इसके बीच की कहानी 2010 के अंदर, केन ने जो है इस मनी इन द बैंक के मैच के अंदर जो है उसने मुझे एक चोक स्लैम दिया था जो कि टेबल के ऊपर पटका था, और भाई इसने केन ने इतने जोर तरीके जबरदस्त तरीके से मारा था कि मैं जो पूरा नॉकआउट हो गया था, मैं सो गया था इवन। और भाई केन ने उस बारे जो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीता था, तो देखो वो कहते हैं कि देखो मैं जब उठकर खड़ा होता मतलब मुझे जब थोड़ी सी जैसे नींद आती है थोड़ी देर के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये सब लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं, और भाई इतने सारे लोग मेरे घर पर क्यों आए। और भाई उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर के बाद रियलाइज होता है कि भाई देखो ये WWE है और मैं WWE के मनी इन द बैंक है हिस्सा हूँ, मैं घर पर नहीं। और भाई आपसे ये फिलहाल एक इंटरेस्टिंग कहानी ड्रू मैकइंटायर रिवील करते हैं मनी इन द बैंक के बारे में। और गाइस ये फिलहाल सारी बातें कहते हैं ड्रू मैकइंटायर, और गाइस देख लेते हैं क्या ड्रू मैकइंटायर इस बार मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीत पाते हैं या फिर। और गाइस आपको क्या लगता है क्या ड्रू मैकइंटायर जीतेगा या फिर कोई और सुपरस्टार, कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट की जो कि होने वाली है रोमन रेंस एंड WWE के मनी इन द बैंक पेपरव्यू के लिए, क्योंकि इसके लिए अभी WWE के आ चुके हैं बहुत बड़े सरप्राइजेस प्लान। और गाइस WWE एक मेगा शॉकिंग टाइटल चेंज प्लान करने वाले, और गाइस फिलहाल ये जो रिपोर्ट आ गई है WWE की कुछ साइडर्स की ओर से रिपोर्ट आ गई है। और भाई जो मैट कैंप होते हैं जो कि WWE का आपको पता होंगे, वो इस बात के अंदर रिपोर्ट के अंदर रिवील करते हैं कि जो WWE है उनके हिसाब से उनको ये बातें पता है, उनके हिसाब से रोमन रेंस एंड कोफी किंगस्टन WWE के मनी इन द बैंक के बाद चैंपियंस होंगे। इसका मतलब ये होता है कि भाई मनी इन द बैंक जैसे खत्म होगा उस शो के बाद भी हमें जो है जो WWE चैंपियनशिप है जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप रहेगी रोमन रेंस के हाथ में, WWE चैंपियनशिप होंगे हमारी कोफी किंगस्टन के पास। तो इससे फिलहाल रिपोर्ट आ रही है, और भाई क्या जो ऑलमाइटी एरा है वो खत्म होने वाला है, क्या ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले, क्या बॉबी लैशली की चैंपियनशिप खतरे में है, तो इससे फिलहाल हमें जो एक डायरेक्शन भी मिल सकती है। बट देख लेते क्या होता है रोमन रेंस का भी, हम मान सकते हैं कि भाई जो रोमन रेंस में चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले क्योंकि उनके लिए जो आगे WWE के पास बिग प्लान्स होने वाले हैं, तो सेथ रॉन्स भी वहाँ पर आ सकते हैं मनी इन द बैंक के अंदर एज को लॉस करवाने में, तो देख लेते क्या होता है। और इसके बॉबी लैशली के हाथ से WWE चैंपियनशिप जाती है, इसके चांस वैसे कम लग रहे हैं, बट भाई कोफी किंगस्टन फिर एक बार ऐसा करते हैं तो भाई कोफी किंगस्टन को तो भाई सैल्यूट हो जाएगा। बट देख लेते क्या होता है, और इसके आपको लगता है कौन जीतने वाला है इस बार रोमन रेंस वर्सेस एज का मैच एंड
बॉबी लैशली वर्सेस कोवी किंगस्टन का मैच, और वैसे आपको क्या लगता है कि मैट कैम की बात सच है, क्या होने वाला है फिर से एक बार अपने कोफी मीनिया कोफी चैंपियन WWE के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अंदर शेयर कर सकते हो। बाकी आज के हमारे वीडियो बस यही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कौन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती है। आज के बस इतनी आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।